हूँ तो कैसे आप लोग, तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI फाउंडेशन एडमिट कार्ड के बारे में। तो जो आपके एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज की जाएंगे, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, डाउनलोडिंग का प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखा की वीडियो में, तो मैं एक शॉक वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चाहे पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो सिंपली पढ़ेंगे आगे वीडियो तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका एग्जाम है वो फिलहाल कंडक्ट की जाएगा 31 दिसंबर से, और फिलहाल जो एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो आपकी फिलहाल रहेगी 20 दिसंबर के आसपास। तो हाई पॉसिबिलिटी है थर्ड वीक में आपके एडमिट कार्ड आएंगे, 15 से 25 दिसंबर के बीच आपके एडमिट कार्ड आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि 20 दिसंबर के आसपास आएंगे और थोड़ा ऑथेंटिक लेकर चलें तो फिलहाल 15 से 25 दिसंबर के बीच, क्योंकि 7 से 10 दिन का गैप इसी बीच बैठ रहा है। तो फिलहाल डेट तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक के लिए आप जानना चाहते हैं तो फिलहाल आप पुराने टिकट चेक कर पाएंगे 2022 2021 के अपडेट जो आपको गूगल मिल जाएंगे, और गूगल पे जाके आप चेक कर लीजिएगा तो आप पुराने आर्टिकल को एक्सेस करेंगे, उसमें आपको एग्जैक्ट डेट मिलेगी कि एग्जाम कब कंडक्ट किया गया था और वो आर्टिकल जब पब्लिश हुआ था तो उस दिन आपके एडमिट कार्ड आए थे, तो उससे अंदर लग जाएगा। बाकी इसको डाउन कैसे करना होगा उसके जो स्टेप्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। bscnursing2020.com ये वेबसाइट है, इस पर ये आर्टिकल आपको अवेलेबल है। डाउन के स्टेप भी आपको इसी पर मिलेंगे, रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डाउन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन की टाइप मिलेगी, वहाँ पर लॉगिन करेंगे अपनी डिटेल, और फाइनल लॉगिन के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो हो जाएगा। लिंक आपको मिलेगा रिकमेंड टाइम में या फिर वहाँ लेटर सेक्शन होगा, वहाँ पर आप सिंपली इस तरह एडमिट कार्ड को चेक कर पाएंगे। बाकी थैंक यू।